गरीब शहर हूँ मैं, सुन तो ले मेरी फरियाद, के तेरे सीने में भी हों कयामतें आबाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ व्यूअर्स, बच्चों के बेहद इसरार करने पे आज मैं कराची ज़ू या कराची चिड़ियाघर कहें, जिसे गार्डन के बीचों बीच मौजूद है। मुझे हालात का तो काफ़ी अंदाज़ा था, लेकिन इस तरीके के हालात होंगे इसका सोचा भी नहीं था। आज आजू में आने के बाद मैक्सिमम पिंजरे जो है वो खाली पड़े हुए थे। इसके अलावा जो कुछ पिंजरों के अंदर जंगली जानवर वगैरह, जिसमें शेर वगैरह मौजूद थे, जो बेहाल बेसुध पड़े हुए थे, उसके अलावा कुछ मैक्सिमम बतख वगैरह या मोर इस टाइप की चीज़ें मौजूद थी। टांगों का पानी सुखाने के बाद घूम फिर के, और उसके बाद कुछ गोलगप्पों की प्लेटें खा के, जब वहाँ से किसी और जगह की तैयारी कर ली, तो आखिर में हाथी देखने की जब बारी आई, तो हाथी को देख के एक अजीब सी कैफियत हो गई कि हाथी, हम तो भीख मांगने के मांग के हमें खिलाने की जो कौमी हमारी आदत है वो तो हो चुकी है, लेकिन हमारे कौम के जो बंदे हैं उन्होंने जानवरों को भी भीख मांगना सिखा दिया है। हाथी को बाकायदा तौर पे बेजुबान इंसान की तरह लोगों से अपनी सूंड के ज़रिए इशारतन चीज़ें मांग के और तलब करते हुए देखा, जो एक अफसोसनाक तरीक़ाकार था जो उसको सिखाया गया था, क्योंकि उसको भी यही अंदाज़ा था कि जब तक ये लोगों का मजमा है तो कुछ फल फ्रूट खाने को मिलेंगे, वरना मगरिब होते ही सूखी टहनी ला के उसके सामने रख दी जाएगी। तो इसी तरीके से चिड़ियाघर का भी हाल बहुत ही बुरा, और जो आने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक मायूस होकर यहाँ से वापस जाते हैं। हमारे यह तफरीही मकामात जो हैं वो दिन ब दिन अपनी जो है बका को खोते जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों के लिए जो तफरी का जो मकामात हैं वो इंतहाई कम हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है कि तफरी का जो सस्ता और आसान जो है वो समंदरी है, लेकिन वहाँ भी सेफ्टी के किसी किस्म के कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पे भी अक्सर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, और ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से भी, और इसके अलावा इंतज़ाम की कमी की वजह से भी, और चिड़ियाघर का भी हाल कुछ इस तरीके से है। आज मेरा विज़िट हुआ तो सोचा आपके लिए भी एक इसमें वीडियो बना लूँ। उम्मीद है कि इस तरह की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।